हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। गाइज, आज हम चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस 10 ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या लिखा है? फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, इसका जीरोस फाइंड आउट करना है पहले बोला है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, -b/a। ये वाले साइड क्या है? ये वाले हैं कोएफिशिएंट्स और ये क्या है हमारे जीरोस। ठीक है, तो ये रिलेशन पढ़े। एक और क्या पढ़ रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो ये वेरीफाई करने के लिए हो गया और हमें अल्फा और बीटा निकालने के लिए बोला है। ओके, तो फिर जल्दी से देखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं इसे। इसे क्या कर दिया, पहले इसको पुट करने के लिए हम इक्वेशन को हम हमेशा क्या कर लेते हैं, इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। तो ठीक है, 3x² इक्वल टू, ये -2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +2। x² इक्वल टू 2/3 हो गया। अब ये x² हुआ, हमें पता है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कितने जीरोज मिलते हैं, 2 जीरोज मिलते हैं। तो यहाँ तो x² ऐसा है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर खोलने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले रूट चढ़ा दें इसके ऊपर। तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो x इक्वल्स टू +or -2/3 होता है ये रूट। ओके, या फिर इसको x² इक्वल्स टू 2/3 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x = +or -√2/3। ओके, प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ पे दो रूट देता है हमें, क्या क्या मिल गया, एक -√2/3 और एक क्या मिल गया हमें, +√2/3। क्लियर, तो ये दो हमें अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू +√2/3 और बीटा की वैल्यू -2√3, दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो क्या मिल गया हमको, जीरो मिल गया। ओके, तो ये जीरो मिला है, क्या मिला हमें, सम ऑफ जीरोस। और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है। तो -b यहाँ से देख लें, अगर हम ax² + bx + c, ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया, 3x² + 0x + -2 -2, तो b की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो -0/a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, तो ये कितना हो गया, 0। हैंस प्रूव, ये भी 0 हो गया और वो भी 0 हो गया। तो ये कोएफिशिएंट का सम ऑफ जीरोस निकाले, ये सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा निकाले। अब वैसे ही प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये मल्टीप्लाई अगर होगा, दिखा रही हूँ अभी मैं इसे मल्टीप्लाई करके। ओके, जस्ट मिनट, यहाँ पे ये अल्फा प्लस इंटू बीटा हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है, एक ये है और बीटा ये है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम √2 × √2 करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास 2 मिलता है। वैसे ही √2/3 × √2/3 करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, 2/3 मिलेगा, लेकिन एक के सामने माइनस साइन है इसलिए -2/3 मिल गया। ओके, तो हमें अल्फा इंटू बीटा -2/3 मिल गया। अब अगर मैं देखो c/a करके देखूं, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे -2 आ रही है और a की वैल्यू 3, तो आ गया हमारे पास -2/3 और -2/3, हैंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। एक दूसरा क्वेश्चन लिया है हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x² - 3x + 1, इसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, हमें पता है। ओके, नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हू जीरोस आर 3α and 3β। अब क्या बोल रहा है कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसका जीरो क्या हो, 3α और 3β हो। क्लियर है, तो हमें अब वो फॉर्म कैसे करना है, हम वो देखते हैं। पहले तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली हम इसका सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। ओके, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, ये होगा -b/a, -b कितना है, -3 हो जाएगा, b = -3 और a = 2 है, तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज 3/2। अल्फा इंटू बीटा हमने निकाल लेंगे c/a, c क्या है यहाँ पे, +1 और a कितना है, 2, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया। क्लियर है इतना, तो अब हम क्या करें, अब हम इसको ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे, क्या का नाम है, 3α and 3β के अकॉर्डिंगली देखना है ना, तो 3α 3β के अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो सम ऑफ जीरोस अगर हम देखें तो 3α + 3β देखना पड़ेगा, इक्वल टू थ्राइस ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे को कितनी मिल गई थी, 3/2 मिल गई थी, जैसे क्या लिख सकते हैं, 9/2, तो सम कितना आ गया हमारे पास, 9/2 आ गया। ओके,
अब प्रोडक्ट देखती हूँ मैं, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, ये होना चाहिए प्रोडक्ट। ओके, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 3 9, अल्फा इंटू बीटा लिख सकती हूँ इसे, क्लियर है। तो 9 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1/2 फ्रॉम दिस। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 9/2 अगेन। ओके, तो ये हमको मिल गया, अल्फा प्लस सम भी मिल गया और क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। तो अब जब हमें ये मिल गया तो हमें पता है कि सम क्या होता है, सम होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। ओके, तो माइनस बी, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, माइनस बी अपॉन ए मिलता है, और यहाँ से क्या मिलता है, सी अपॉन ए मिलता है। तो ए तो हमें 2 मिल गया है, ओके, ए हमें 2 मिल गया है दोनों जगह पे, तो ये 2 हो गया। अब बी क्या मिला है, बी क्या होता है, माइनस बी होता है, तो ये माइनस बी इक्वल टू 9 लिखा रहा है, तो बी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 9, तो बी आ गया हमारे पास, यहाँ पे 9 लिखेंगे, लेकिन हमें बी कितना मिल गया, माइनस 9, क्लियर है, माइनस 9 बी मिल गया। और सी कितना मिल रहा है हमें, 9 मिल रहा है, सी हमें मिल गया 9 और ए हमें मिल गया 2। तो हम इक्वेशन फॉर्म कर लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो ए क्या है, 2x स्क्वायर, क्लियर है, प्लस बी कितना मिला हमें, माइनस 9x प्लस सी कितना मिला हमें, 9। दिस इज योर आंसर, ओके, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने ये सोल्यूशन जो लिखा है, वैसे भी आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी इजी वे है, ओके। Now let's start question number 3. On dividing this x cube minus 8x square plus 20x minus 10 by the polynomial g of x. G of x se divide karna hai, aisa likha hai. And the quotient and the remainder will be this. Quotient kitna hai? X minus 4 aur remainder kitna hai hamare paas? 6. Find the value of g of x bol raha hai. Okay, g of x find out karna hai. To hume kya pata hai? Dividend, hum ye padhe hai, dividend equals to divisor multiply by quotient प्लस रिमाइंडर, हम ये पढ़े हैं। तो हम क्या कर लिए, इसको अब ले लेते हैं, ये है हमारे पास कोशेंट, डिविजर हमें पता नहीं है, उसे हम क्या लिख रहे हैं, जी ऑफ एक्स। कोशेंट क्या हमारे पास, एक्स माइनस फोर प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 6, और डिविडेंड हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10। ओके, ये हमारे पास डिविडेंड है। अब इसको जल्दी से शिफ्टिंग कर ले हम, रिमाइंडर प्लस में इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लीकेशन में है जी ऑफ एक्स के साथ, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इतना क्लियर है आई गेस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, इतने टर्म को, माइनस 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 16। तो जल्दी से रीराइट करते हैं, x cube minus 8x square plus 20x minus 60, okay? ये हमारे पास अब ये आ गया और divide by इतना आ गया, तो वो हमको क्या मिल जाएगा, g of x, मतलब हमारा division मिल जाएगा, okay? तो जल्दी से अब इसमें check करते हैं, हमने यहाँ पे divide करके रखा हुआ है, जल्दी से आपको मैं बता देती हूँ कैसे divide कर रहे हैं हम। अब ये हमारे पास dividend हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, divisor, क्योंकि हमें पता है हमें इसको इससे divide करना है, ठीक है। तो x माइनस 4 ये डिवाइड कर रहे हैं, पहले x स्क्वायर लिया, तो ये x क्यूब इससे मल्टीप्लाई होके इधर, और फिर ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, दैट इज माइनस 4x स्क्वायर, ओके, क्लियर है इतना। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये ऐसे डिवाइड कर लेगा, साइन चेंज किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, अगेन माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4x इंटू माइनस 4, दैट इज प्लस 16x हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली ये कैंसिल, ये बच गया माइनस 4, प्लस फिर से 4 प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको क्वेश्चन यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दैट इज आंसर। और आंसर हम ये किसका निकाल रहे थे, ये डिवाइड हम किसके लिए कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे हम जी ऑफ एक्स निकालने के लिए, तो हमारा जी ऑफ एक्स कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दिस इज योर आंसर, ओके। Let's go to question number 4. Obtain all other zeros of the polynomial this. अब इस polynomial के all other zeros find out करने हैं। मतलब हमें और क्या बोला है? It's two zeros are plus 5 and minus 2. मतलब क्या मिला है? एक तो ये मिला है और एक तो ये मिला है। अब ये power कितना है? 4. और हमें पता है कि अगर highest degree 4 होती है तो उसके zeros भी उतने ही मिलते हैं। मतलब हमें और दो values find out करनी है इसकी, clear? तो हमें सारे zeros find out करने हैं। अब ये दिया हुआ है, अब हम इसको क्या करें, अब ये दोनों हमारे पास जीरोज है ना, तो इन दो जीरोज को हम कैसे लिख सकते हैं ये देखना पड़ेगा। हम अगर देखें कि अगर मैं इसको ऐसे इक्वल्स टू जीरो लिखती तभी मेरे को एक्स की वैल्यू 5 मिलता,
अगर मैं दिस प्लस टू लिखती, एक्स प्लस टू लिखती इक्वल्स टू जीरो, तभी मेरे को एक्स इक्वल्स टू माइनस टू मिलता, जो हमारे दो जीरो दिए हुए हैं, प्लस फाइव और माइनस टू, प्लस फाइव और माइनस टू, क्लियर। तो मैं इसको अब इस फॉर्म में लिख रही हूँ, ये वाले फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस टू, मैं लिख लिया एक्स प्लस फाइव, सॉरी एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव एंड एक्स प्लस टू, तो ये दो जीरो की वजह से हो गया, ठीक है। अब ये दो जीरो को मिला के मैं इसे अब मल्टीप्लाई करती हूँ, और फिर इसका मैं क्या बनाती हूँ, इसी को मैं क्या बनाऊंगी, डिविजर बनाऊंगी, ठीक है, ताकि बाकी के दो जीरो मेरे को इजीली मिल सके। तो डिविजर बनाती हूँ, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टेन, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, ये क्या मिल गया मेरे को अब, ये अब मैं इसको लिखूंगी जी ऑफ एक्स, मतलब ये क्या हो गया हमारा, डिविजर हो गया, ओके डिविजर हो गया, और डिविडेंड तो हमें दिया ही हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 17 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम फट से इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से, ओके। तो डिविजन यहाँ पे मैं दिखाई हुई हूँ, ओके यहाँ पे देखते हैं अब डिविजन क्या है। अब ये डिवाइड कर रहा है इस, ये कैसे आ गया, हम ये तो पढ़ लिए, अब डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करना ईजी है, यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे आया, डिवाइड करके आंसर कितना मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये हमें क्या मिला है, हमारा क्वेश्चन मिला है, ठीक है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें यहाँ से दो जीरोस मिल जाएंगे जो हमें फाइंड आउट करने थे, ये दो तो है ऑलरेडी, और जो दो फाइंड आउट करने थे हमें वो मिल जाएगा, ओके। तो फाइंड आउट करते हैं अब यहाँ से, तो इसे हम क्या करेंगे, हम इसे स्प्लिट करेंगे, अब स्प्लिट करना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू, क्या करते हैं, इधर ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो इन दोनों के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन हो, तो टू इंटू वन इस टू आना चाहिए इन दोनों के बीच का मल्टीप्लीकेशन, तो टू एक्स इंटू एक्स, तो इधर का कोएफिशिएंट टू इधर का वन, तो मल्टीप्लाई करने से हमें टू ही मिल रहा है, इसलिए ये करेक्ट है। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस टू प्लस वन एक्स प्लस टू, ओके। तो एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, सो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एंड माइनस वन, क्लियर है। तो हमारे पास चारों वैल्यूज क्या हो गई, एक प्लस फाइव है, एक माइनस टू है, एक और माइनस टू है और एक माइनस वन है, ये हमारे पास फोर जीरोस हो गए इसके, क्लियर। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक जीरो जो क्या है उसका नेगेटिव है ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, देन फाइंड द जीरोस ऑफ दिस, ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा लग रहा है ना, चलो तो फिर देखते हैं क्या बोल रहा है ये, ओके। तो हम क्या करें, एफ ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है हमें माइनस नाइन तक के, हम इसे क्या कर ले, कॉमन निकाल लेते हैं एक्स वाला टर्म, ठीक है, तो क्या दिया, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट के एक्स प्लस एट एक्स माइनस नाइन, क्लियर है। तो फोर एक्स स्क्वायर, अब मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस एट के माइनस एट, इन दोनों में से मैंने क्या निकाल लिया, एक्स कॉमन निकाल लिया, ठीक है, माइनस नाइन, तो अब ये हो गया हमारे फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया, तो हमें ए पता है फोर, बी पता है इतना और सी पता है इतना, क्लियर है। लिखा क्या है, नेगेटिव ऑफ अदर, क्या बोला है कि वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, अगर मेरा वन जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा मेरे पास, दूसरा जीरो होगा मेरे पास माइनस अल्फा, ओके। तो सम ऑफ जीरोज अगर मैं निकाल रही हूँ, सम ऑफ जीरोज में अगर निकाल रही हूँ, तो अल्फा अल्फा माइनस अल्फा लिखूंगी जो कि क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और अगर कोएफिशिएंट वाइज देखूं तो क्या होता है, ये माइनस बी अपॉन ए होता है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो आएगा, हाँ। तो माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस बी है माइनस ऑफ माइनस एट के, तो वो प्लस हो जाएगा और एट के माइनस एट हो जाएगा, क्लियर। अपॉन ए कितना है, फोर है, इक्वल्स टू जीरो, तो एट के माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, सो एट के इक्वल्स टू एट, सो के इक्वल्स टू वन, के की वैल्यू हमको क्या मिल गई, वन। तो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है उसका जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो अब हम के की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, तो के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स प्लस टू, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब हम इसको स्प्लिट कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू, ओके। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस टू बच गया, प्लस वन ले लिया, एक्स प्लस टू बच गया, तो वैल्यूज क्या जाएगी, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू, तो एक्स की वैल्यूज हमको क्या मिल गया, एक माइनस वन मिल जाएगा, एक माइनस टू मिल जाएगा, तो ये अदर जीरोस आ गए उसके, ठीक है, इस वाले इक्वेशन के लिए हमारे पास दो जीरोस आ गए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ अ पॉलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ओके।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ए कहाँ पे है बॉस? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ए कैसे बोल रहा है? ये के है. ओके, गलती से ए लिखा है. दिस इज के. के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जो कि किसका कोएफिशिएंट है? एक्स का कोएफिशिएंट है. क्लियर? तो हम क्या करें, पहले क्या कर लेंगे, इसे पी ऑफ एक्स ले लिया और इसे क्या ले लिया, जी ऑफ एक्स. क्लियर है? जी ऑफ एक्स लेके हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले स्प्लिट करके हम इसके दो जीरोज निकाल लिए. इसको दो जीरोज मिल गए, हमको एक प्लस वन मिल गया और एक प्लस टू मिल गया, दो जीरोस. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, p ऑफ वन पुट करके देखेंगे इसी में. तो इस इक्वेशन में p ऑफ x में हम ऐसे लिखते हैं, इसे p ऑफ वन ऐसे पुट करेंगे. कैसे? पहले तो p ऑफ x लिखा, इसे x टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 16. ओके, तो p ऑफ वन पुट करते हैं अगर हम, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? p ऑफ वन मतलब ये जीरोज है, जीरो से मतलब रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, पी ऑफ वन अगर हम पुट करेंगे तो जीरो मिलना चाहिए हमें. ठीक है, तो वन का पावर फोर इज वन, थ्री का पावर, वन का पावर थ्री इज वन, सिक्स का पावर स्क्वायर इज वन प्लस के इन टू वन माइनस 16 इक्वल टू जीरो. ओके, वन माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस के माइनस 16 इक्वल टू जीरो. व्हाट हैपेंड नाउ, दिस इज माइनस 9 प्लस 1 प्लस k minus 16 equals to 0. Now k minus 9 and minus 16 kitna ho jayega? This is 25 minus 25 plus 1 equals to k. K equals to 24 then. Okay, this becomes minus 24. Idhar jaake wo plus 24 ho jayega. So k ki value hamare paas kitni aayegi? 24. This is your answer. गाइज, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं, हम उसके कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, कहीं पे रुक जाते हैं. ओके, तो हमें क्या करना होता है, मैंने अपने मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जहाँ पे मैंने ये पूरा एक्सरसाइज करवाया है, चैप्टर टू खत्म किया है. ओके, तो आप वहां से जाके ये सब पढ़ सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये मैंने इक्वेशन पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए. अगर आपको दो जीरोस दे देते हैं तो उनका सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, फिर उसको इसमें पुट कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपका इक्वेशन मिल जाएगा. तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस में मतलब हम इसे प्लस कर देंगे, तो ये रूट टू और प्लस रूट टू और माइनस रूट टू कैंसिल हो गया, तो थ्री प्लस थ्री इज हमें क्या मिल गया, यहाँ पे सिक्स मिल गया, सम ऑफ जीरोस निकल गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें इसे प्रोडक्ट करना होता है. ओके, तो प्रोडक्ट करके ही दिखा देती हूँ मैं. वैसे तो ये एक फॉर्म बन जाता है, अगर आपको पता हो तो a माइनस बी और a प्लस बी मिलके बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आप ऐसे करें तो ऐसे, नहीं तो इसको इससे, फिर इसको इससे, ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं. मैं दोनों बता देती हूँ यहाँ पे. ओके, तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस थ्री रूट टू प्लस थ्री रूट टू, और ये कितना हो जाएगा, माइनस रूट टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा. दिस गॉट कैंसिल, नाइन माइनस टू इज गॉट, वी गॉट सेवन. ओके, सेवन क्या मिल जाएगा, हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा इसके थ्रू. अगर मैं इसके थ्रू जाऊं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से जाऊं, विच इज नथिंग बट ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये इस फॉर्मूले से जाऊं, तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर करना है ना, हमें ये मिला हुआ है, कहा है ये मिला हुआ है हमें, क्या मिला है, थ्री प्लस रूट टू एंड 3 माइनस रूट टू मिला है ना. तो अगर मैं इसको a स्क्वायर लिखूं तो a क्या है यहाँ पे, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 और माइनस b मतलब रूट टू का स्क्वायर. ओके, दिस इज 3 का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो भी मेरे को क्या मिलेगा, 7 मिलेगा. ओके, तो प्रोडक्ट हमें 7 मिल गया. अब इस इक्वेशन में पुट कर देना हमें, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना मिला है हमें, सम ऑफ जीरोस हमें कितना मिला है, 6 x का x और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को ऐड कर दें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना मिला है, 7. दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. टू फॉर्म इस क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर व्हिच 2x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस. अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है डिविडेंड. ओके, ये डिविडेंड दिया हुआ है और ये क्या बोल रहा है, ये फैक्टर है, फैक्टर है मतलब ये क्या होगा, डिविजन हो सकता है ये. ओके, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखें, तो x की वैल्यू हम अगर निकालें तो 2x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 3 अपॉन 2. ओके, क्लियर? तो ये हमको मिल गया, x की वैल्यू मिल गई. तो अब हम क्या करेंगे, इस पे अगर आपको कोई भी अननोन वैल्यू पूछ रहा था ना, तो हमें जो फैक्टर दिया होता है उससे हम वैल्यू निकाल के उसको उसी पे पुट कर देंगे हम.
ओके तो अगर मैं इसको लिख लूं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ + 9x² - x - b ओके तो अब हम क्या करेंगे फैक्टर है मतलब हमको ये क्या मिलेगा इक्वल्स टू जीरो करके ही रख सकते हैं हम इसे दिस इज इक्वल्स टू जीरो ओके तो अब ये फैक्टर में इसको लिख रही हूँ पी ऑफ -3/2 पुट करेंगे हम ओके फैक्टर है ये तो 2 × -3/2³ + 9 × -3/2² - −3/2 - b = 0 क्लियर अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 × - का माइनस बाहर रख दिया मैंने 9 3³ = 27 2³ = 8 प्लस 9 स्क्वायर है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 3 = 9 and 2 2 = 4 ओके माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2 हो गया माइनस बी इक्वल्स टू जीरो हो गया इस b को मैं इधर लेके चली जाऊँ क्या तो मैं इस b को अब इधर लेके चली गई इधर सॉल्व कर लेते हैं आंसर ठीक है 2 1 = 2 4 = तो ये 4 आ गया −27/4 + 81/4 + 3/2 ओके तो एलसीएम अब ले लूं मैं एलसीएम ले लेती हूँ यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने 4 क्लियर है तो −27 तो रहेगा ही प्लस 81 भी रहेगा ही प्लस क्या हो जाएगा 3 2 = 6 ओके इक्वल्स टू बी तो अब ये कितना आ गया हम इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 87 - 27/4 दैट इज कितना हो जाएगा 87 - 27 कर लो तो ये 0 और ये 6/4 इक्वल्स टू बी 4 1 = 4 1 = 2 4 5 = तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 दिस इज आवर आंसर यही फाइंड आउट ओके नाइन्थ क्वेश्चन देखते क्या बोल रहे डिवाइड दिस बापरे दिस बाय दिस दिस इज डिविजर दिस इज डिविडेंड ओके फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इजी है डिवाइड करना आता है तो हमारे लिए तो ये इजी हो गया ओके तो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके दे दिया एक्स स्क्वायर से किया तो x^4 - x³ आएगा एक्स क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब का फॉर्म ही नहीं है तो यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब लिख दीजिए पहले से क्योंकि ये लाइन से सिक्वेंस वाइज हो पाता है फिर ठीक है 3x² + 4x + 5 ओके तो यहाँ पे x² - x+1 तो अब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा x^4 अब −x³ तो यहाँ पे −x³ ये 0x³ है ओके 0x³ तो यहाँ पे −x³ आ गया −x³ और ये क्या हो गया +x² ओके तो अब इसको कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल ये माइनस का प्लस हो गया तो यहाँ पे ये x³ उतर जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस का माइनस तो −4x² बाकी को एज इट इज उतार लीजिए ठीक है इजी हो गया अभी x³ वाला टर्म आ गया हमारे पास अब क्या करें x³ चाहिए तो प्लस x करना पड़ेगा तो x³ - x² + x आ गया क्लियरली माइनस दिस इज प्लस दिस इज माइनस ओके माइनस कर रहे हैं हम क्योंकि तो ये कितना हो जाएगा −3x² - sorry + 3x + 5 तो यहाँ पे क्या कर लूँ मैं −3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तभी तो ये −3x² मिलेगा मेरे को और ये क्या मिल जाएगा −(-+)3x मिल गया और ये क्या मिल गया −3 तो ये तो कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया प्लस का माइनस और ये 8 बच गया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 8 और ये हमारे पास क्या बन गया हमें क्वेश्चन क्वेश्चन क्या हो गया x² + x - 3 दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बहुत ही इजी है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल कोई पॉलीनोमियल है जिसका जीरो क्या है अल्फा और बीटा है ओके तो अल्फा प्लस बीटा दिया अल्फा इंटू बीटा दिया तो प्रोडक्ट दिया और सम भी दिया तो सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा हमने क्या पढ़ा है -b/a पढ़ा है ना तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 6 नीचे कुछ नहीं है इसलिए हम क्या लेते हैं 1 अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 4 अब 4 लिया है और होता क्या है अल्फा इंटू बीटा c/a तो 4/a 4/1 हो जाएगा तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1 b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -b है ये तो −b = 6 सो b = −6 तो b कितना मिल गया हमें −6 और c हमें कितना मिल गया 4 तो इक्वेशन में लिख सकते हैं ax² + bx + c के लिए तो a कितना है 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है x² b कितना है −6x एंड c कितना है हमारे पास 4 दिस इज आवर आंसर ओके नाउ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन ओके इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल दिस ये पॉलीनोमियल दिया है उसका अल्फा और बीटा क्या बोल रहा है जीरोस है ओके अल्फा एंड बीटा को जीरोस बता दिया राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इसकी वैल्यूज लिखनी है हमें ठीक है तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या होता है -b/a होता है
अब इधर से अगर मैं देखूं तो ये x लिखते थे हम हमेशा वेरिएबल, यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस y वेरिएबल लिखा है, तो a इक्वल टू 2 मिल गया, b इक्वल टू 7 मिल गया, और c क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिल जाएगा, माइनस 7 अपॉन a कितना हो जाएगा 2, a कितना होगा हमारे पास 2, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा c अपॉन a, c कितना है हमारे पास, c है 5 और a कितना हमारे पास 2। क्लियर है, ये तो मिल गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ओके तो अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या लिखे, माइनस 7 बाय 2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या लिख दें, प्लस 5 बाय 2। क्लियर है, 2 एलसीएम ले लिया, माइनस 7 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, माइनस 1। क्लियर है, क्या बोल रहा है, इफ 10 ऑफ अ पॉलीनोमियल इज दिस, एक जीरो कितना दिया है, 2 प्लस रूट 3 दिया है, राइट द अदर जीरो। तो अगर ये अल्फा दिया हुआ है तो हम क्या निकालें, बीटा, और इसे अगर हम बीटा कंसीडर कर रहे हैं तो हम क्या निकाल लें, अल्फा। ओके तो हमें क्या पता है, जीरो, ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 4 एंड c इक्वल्स टू 1, हमें पता है ये चीज, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना ये, तो ये पता चल गया हमें। अब हमें क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ओके तो माइनस बी मतलब कितना हो गया, माइनस ऑफ माइनस 4, ए कितना हो गया 1, और अल्फा प्लस बीटा, तो हम अगर अल्फा को निकाल रहे हैं, बीटा को ये ले लेते हैं, बीटा इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 ले लिया, और हम क्या निकाल रहे हैं, अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा, एक जीरो ये, एक जीरो ये, दिस इक्वल्स टू दिस, तो क्या हो गया, 2 प्लस रूट 3 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 4। ओके तो अल्फा कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 इज अल्फा, दिस इज योर आंसर। ओके एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू p माइनस 4 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल दिस, p की क्या वैल्यू होगी, मैम हमें p का वैल्यू निकालना है, और एक पॉलीनोमियल हमें क्या दे दिया, ये माइनस माइनस ऑफ वेट माइनस ऑफ 7p प्लस 3। ओके तो p की फॉर एक जीरो कितना दिया हमें, माइनस 4, तो हम x की जगह पे क्या रख लें, p ऑफ x हम ऐसे लिखते हैं, जैसे p ऑफ x लिखते हैं दिस इक्वल्स टू, तो x की जगह पे हम क्या रख लेंगे, अब माइनस 4 रख लेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 7 माइनस ऑफ 7p प्लस 3। ओके तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 माइनस ऑफ 7p एंड माइनस 3। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, 16 एंड 8 इज 24 माइनस 3 माइनस 7p दैट इज 21 माइनस 7p दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 0 वी हैव टू पुट राइट, एक्चुअली मुझे यहां लिखना चाहिए था दिस इज इक्वल्स टू 0, सो 7p equals to 21, this is not, okay, 7p equals to 21, so p equals to 3, this is our answer, जब p की value 3 होगी तो हमको क्या मिलेगा, 10 minus 4 मिलेगा, okay, तो guys, one of our subscribers says to make a video for an important question which is asked before, so I made it now, I hope you like it. If you like the video, do like, share, और अगर आपने subscribe नहीं किया है मेरे channel को, तो subscribe करें, और bell icon को click करें, ताकि आपको मेरे new videos time to time पे मिलते रहें. Guys, मैंने अभी polynomial के important questions बनाए हैं, अभी मैं chapter 3, linear pair of equations के भी important questions बनाऊंगी, और description में मैं सारे link डाल दूंगी, इससे related जो भी exercises हैं chapter 2 के सारे, वो उसके links भी मैं आपको share कर दूंगी. Okay, thank you, bye-bye, see you in the next video.